लिवर को पूरा नहीं छोड़ना है, धीरे से छोड़ना है। देखो एकदम से छोड़ देना नहीं, ये ऐसे करके ऐसे छोड़ दोगे तो ऐसे झटका मारेगा मशीन। तो हेलो दोस्तों, मैं उरव और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि बूम कंट्रोल कैसे करते हैं, परफेक्ट तरीके से पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी हमारा ट्रैक्टर लोडिंग का काम चालू है, तो आपको ट्रैक्टर लोड करके भी बताऊंगा मैं कि कैसे कंट्रोल करते हैं। और अभी फिलहाल चालू करके यहाँ कंट्रोल करके बताता हूँ। तो उससे पहले आप ये जान लें कि आपको जब भी बूम कंट्रोल करना है तो आपको ये लीवर जो है स्विंग का, उसको धीरे से छोड़ना है, धीरे से यानी प्यार से, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। इससे क्या होगा कि मशीन झटका नहीं मारेगा और आपका बूम जगह पे रुक जाएगा। तो देखिए अभी मैं स्टार्ट करके आपको बताता हूँ। पहले तो एक हाथ से कंट्रोल करके बताऊंगा, फिर दोनों लीवर से कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो ये देखिए मशीन हो गया स्टार्ट। पहले देखिए अभी बिना आरपीएम के बताता हूँ मैं, आइडल पे है मशीन। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे, लीवर को पूरा नहीं छोड़ना है, धीरे से छोड़ना है। देखिए एकदम से छोड़ देना नहीं, ये ऐसे करके ऐसे छोड़ दोगे तो ऐसे झटका मारेगा मशीन। तो उससे ऐसे जोर से झटका बैठेगा, तो एकदम से नहीं छोड़ना है अपने को, ऐसे धीरे से। ये देखिए अभी तक मैंने पूरा लीवर नहीं छोड़ा है और बूम रुक गया। देखिए ये देखिए अभी मैंने छोड़ दिया लीवर, ये देखिए थोड़ा सा दबा के रखना है लीवर को। देखिए अभी लीवर ये देखिए छोड़ दिया। तो अभी एक्सीलेटर बढ़ा के दिखाता हूँ। आप अपने हिसाब से 1000 पे 1200 पे भी रख सकते हो। आप अगर आप नए हो तो नए नए चला रहे सीख रहे हो, तो अभी मैंने देखिए 1500 कर दिया है आरपीएम। तो ये देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए लीवर की तरफ भी ध्यान दीजिए। ये तो एक हाथ से देखे, ये एक हाथ से कर रहा है मैं बूम कंट्रोल। देखिए देखिए तो ये तो हो गया। देखिए ये एक हाथ से कर दिया, करके दिखाया मैंने आपको, यानी लीवर को एकदम से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है और बूम रुकने के बाद पूरा छोड़ दो। ये देखिए ऐसे अभी ये रुक गया, तो ये देखिए छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे करना है। तो अभी दोनों लीवर से करके बताऊंगा मैं। ए अंधे चल ट्रैक्टर अंधे, बस 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 चल आ जा इधर, आ जा। तो देखिए अभी मैंने बकेट भर लिया, अभी दोनों लीवर की तरफ जाते 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 रुक छोड़ दिया मैंने। तो इससे क्या होता है, एक दोनों फंक्शन अगर चालू हो गए तो ऑयल इसमें का थोड़ा उसमें डिवाइड हो गया, तो इससे थोड़ा कंट्रोल हो जाता है स्विंग, और उसके बाद आप अचानक से भी छोड़ सकते तो भी रुक जाता है। एक्सीलेटर हो गया 1500 अपना, और ये देखिए जैसे ही स्विंग करो ये ओपन कर दिया रुक गया, बूम ये क्लोज कर दिया रुक गया।
यानी इसको रुकाना है तो इसको भी, इसको अगर तुम चलाओगे तब तक इसको भी छोड़ देना है। जैसे कि ये स्विंग किया और ये ओपन किया तो ये छोड़ दिया, ये स्विंग किया, ये क्लोज किया, ये छोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी जानकारी थी वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।